अमेरिका के दो प्रभावशाली विधि निर्माताओं ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन संबोधित करने दिया जाए। प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष एड रॉयस और सांसद जॉर्ज ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष जॉन पोनहर को लिखा पत्र। आंध्र के राज्यपाल ने 15 वर्षों के लिए राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग की। नवगठित आंध्र प्रदेश विधानसभा के सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने कहा कि राज्य के अवैज्ञानिक विभाजन से लोगों को गहरा दुख पहुंचा है। सरकार ने रेल किराए की सभी श्रेणियों में 14.2% और माल ढुलाई भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी की। बढ़े किराए 25 जून से होंगे लागू। पिछली सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट में किराए बढ़ाने के प्रस्ताव को दी गई थी मंजूरी। रेल किरायों में बढ़ोतरी का तमाम विपक्षी दलों ने किया विरोध। हालांकि विशेषज्ञों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय रेल की सेहत सुधारने के लिए सरकार को लेना पड़ा ऐसा कड़ा फैसला। प्रधानमंत्री ने इराक संकट पर बुलाई उच्चस्तरीय बैठक। बैठक में गृहमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अभरत भारतीय हैं सुरक्षित। इस बीच इराक के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 16 भारतीयों को बाहर निकाला गया, जबकि अगवा किए गए 40 भारतीयों में से एक मोसुल शहर में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटने में कामयाब हुआ। उधर इराक में सेना और उग्रवादियों के बीच संघर्ष जारी है। बगदाद के पूर्वोत्तर में स्थित मुकदादिया शहर में आतंकियों के हमले के बाद हुई झड़पों में 30 लड़ाके मारे गए। उत्तरी शहर तलफर पर कब्जे को लेकर चल रही जंग 6वें दिन भी जारी रही। दक्षिण अफगानिस्तान में तालिबान के एक हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अफगानिस्तान में गठबंधन बलों के अपना अभियान खत्म करने की ओर अग्रसर होने के बीच विद्रोहियों की ताकत का ये एक और नवीनतम संकेत है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि सोशल मीडिया में हिंदी का इस्तेमाल केवल हिंदी भाषी राज्यों के लिए है। गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी के आधिकारिक इस्तेमाल को थोपने को लेकर सरकार ने नहीं दिया कोई आदेश। मुंबई में कैंपाकोला सोसाइटी में बने अवैध फ्लैट्स को खाली कराने गई बीएमसी की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। लोगों ने सोसाइटी के दरवाजे बंद कर दिए और खुद गेट के सामने अवरोध बनकर खड़े हो गए। फ्लैट्स को खाली कराने के लिए बीएमसी आज फिर से सोसाइटी जा सकती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन आज राज्यसभा के लिए आंध्र प्रदेश से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सीतारमन फिलहाल संसद के किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। फीफा विश्व कप में कोस्टारिका ने इटली को 1-0 से हराकर किया बड़ा उलटफेर। इटली की इस हार के साथ ही इंग्लैंड विश्व कप से हुआ बाहर, जबकि कोस्टारिका पहुंचा प्री क्वार्टर फाइनल में। विश्व कप के एक अन्य मुकाबले में फ्रांस ने स्विट्जरलैंड को 5-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई, जबकि इक्वाडोर ने होंडुरास को 2-1 से मात देकर प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत हासिल की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की आज 74वीं पुण्यतिथि है। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में आरएसएस की स्थापना की थी।